हेलो दोस्तों, कैसे हो गाइस। आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी कुछ अलग सी होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा ब्लेड वाली कटिंग कैसे करते हैं, आसान तरीका बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर वाले बालों को कवर करना होता है, ताकि ऊपर वाले बाल हमारे नीचे ना आए। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम लोग नीचे सीजर के साथ निशान लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पर हमने ब्लेड लगाना है। ठीक है, आपने ऐसे निशान लगाना, ठीक है, ज़्यादा ओपन नहीं करना। दोनों साइड में मैं ऐसे लगाऊंगा और इस साइड में भी। देखो गाइस, हमने वी बनानी है, ठीक है, वहाँ तक हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हाथ से फिर ऐसे कट मारेंगे, ऐसे ऐसे गुलाई में लेके जाना आपने। ठीक है, गुलाई में लेके यहाँ पर आपने छोड़ देना है, क्योंकि हमने नीचे नीचे ब्लेड लगाना है। और जो वी बनाएंगे वहाँ पर वी को अलग बनाएंगे, यानी कि ये वाली जो चीज़ होगी आपको मैच करके दिखाएंगे इसको कैसे आसान तरीके से करते हैं। ठीक है गाइस, मार्केट में नरम करने वाली क्रीमें बहुत आती है, मेरे पास ये है। ठीक है, आप कोई भी लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने जहाँ पर ब्लेड लगाना वहाँ पर आपको ऐसे नरम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कस्टमर को बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, आपने ऐसे लगा देनी है जैसे मैं लगा रहा हूँ, दोनों साइड में आपने ऐसे लगा देनी है। हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है, अब हम लगाएंगे उस तरह। जहाँ पर हमने गाइस निशान लगाया ना वहाँ पर ही आपने उस तरह लगाना, ठीक है, वहाँ तक हम लोग इसको छोड़ देंगे। देखो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ठीक है, आपने भगा के नहीं देखना वीडियो को, ठीक है, फिर आपको समझ नहीं आएगा यार। देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, आपने भी ऐसे लगाना, ठीक है, ब्लेड को बड़े ध्यान से चलाना आपने। ठीक है, मैं लगा दिया ब्लेड, ठीक है, और उस साइड में मैं ऐसे लगाऊंगा। ठीक है, देखो दोनों साइड में ऐसे ही लगाना, हमने डरना नहीं है भाई। देखो कई बंदे कहते हैं ना मेरे को, सर भैया डर वो लगता है काम करते समय। देखो यार भाई, स्टार्टिंग अगर करोगे तो भाई डर तो लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे आपका डर निकल जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, काम करो कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, शेविंग से लेके बियर्ड से लेके, ठीक है, तरह तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, आप देख सकते हो और सीख सकते हो। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे नीचे खींचेंगे। ठीक है, आज कुछ आपको अलग सी वी बना के दिखाऊंगा हम लोग इसको मैच कैसे करते हैं। जो मेन चीज़ होती है ना, जीरो को मैच करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये वाली जीरो नहीं है, हम लोगों ने उस तरह ही लगा दी नीचे। ठीक है, इसको बहुत मुश्किल होती है मैच करने में। ठीक है, आज आपको आसान तरीका बताऊंगा इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, छोटी वाली ट्रिमर है, ठीक है, उसके साथ जो कंघे मिलते हैं आपको, आपको ही मिले होंगे अगर आपके पास ट्रिमर होगी। ठीक है, मेरे पास छोटी वाली ट्रिमर है, ठीक है, 4.5 mm का कंघा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यानी कि ज़्यादा ओपन नहीं जड़ाऊंगा, आज स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को भाई स्किप नहीं करना, अगर वीडियो अच्छी लगती है एक लाइक जरूर कर दो यार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, देखो मैं जैसे लगा रहा हूँ आपने भी वैसे लगानी है। ठीक है भाई, ज़रूरी नहीं है छोटी वाली ट्रिमर के साथ करना, अगर आपके पास कोई भी ट्रिमर है उसके हिसाब से आपको कंघे मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसके साथ आराम से कर सकते हो। देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ आपने ऐसे ऊपर नहीं उठाना है। ठीक है, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, ही मेन फंडा है जहाँ पर हम लोगों ने जीरो के साथ मैच करनी है। ठीक है, अब आ गया इस वाली साइड पे। ठीक है, सेम चीज़ आपने लगानी, जैसे मैंने 4.5 mm का कंघा लगाया हुआ आपने वैसे लगाना। ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना। ठीक है, देखो बस ऐसे ही आपने लगाना। ठीक है, दोनों साइड में बस एक बार सोचना, जब हम लोग नीचे जिरनब लगा देते हैं उसके बाद हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, आज हमने ब्लेड लगाया, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जीरो है मेरे पास। ठीक है, ऊपर तो हमने 4.5 mm लगा दिया, उसको तो छोड़ दो। ठीक है, जो ये वाली चीज़ है, ठीक है, हमने उस तरह लगाया नीचे, अब इसको हम पॉइंट लगाएंगे जब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखो जीरो नंबर है, आप जीरो नंबर लगा सकते हैं, आपने कैसे लगाना, ऐसे लगाना। ठीक है, इसको ही बड़े ध्यान से लगाना आपने। ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे लगाना है, ताकि ऊपर वाली जो लाइन ना मेरी मैच हो जाए। ठीक है, ये तो हो चुका है, अब ये वाली लाइन दिख रही है ना आपको, उसको हमने कैसे मैच करना है। ठीक है, बड़ी वाली ट्रिमरों के साथ भी वो कंघा मिलता है, इसके साथ भी मिलता है। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा कंघा वो। ठीक है, वो है आपको मिल जाएगा 1.5 mm, जो ये वाली लाइन होती है ना इसी से ही मैच होगी। ठीक है, आपने क्या देखा करना, देखो ये वाली जो लाइन होगी आपने ऐसे रिमूव करना है। देखो ठीक है,
जो नीचे वाली दिख रही है ना, आपने क्या करना है उसको जीरो कर देना है। देखो ये ऊपर को लेके जाना है, ठीक है। अगर आप बीच में लेके जाओगे तो वो मैच नहीं होगी आपकी, इतना ध्यान रख लेना भाई मेरे, ठीक है। देखो आप बता दो मेरी लाइन दिख रही है नीचे वाली, ऐसे लग रहा है जैसे हमने ब्रेड ही लगाया होता है। पास में आके दिखा दे, पता लग जाएगा भाई। देखो ठीक है, ऐसे आपने मैच करनी है, ठीक है। आपने ऐसे मैच कर देना, ठीक है। जीवल चीज है भाई, उसको क्या करेंगे, उसको हम कंघी के साथ मैच करेंगे। पहले आपने पहले झाड़ लेना, ठीक है। झाड़ के उसके बाद आपने ऐसे निशान लगा देना, ठीक है। देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ, जिनकी ज़्यादा पीछे नहीं करना, ये बेकार लगता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से आपने ऐसे निशान लगा देना। अब जैसे आपके पास छोटी वाली कंघी होगी पार्टिकल की, अगर है ठीक है, नहीं है तो आप ले सकते हो, ठीक है। देखो भाई इसको हमने मैच करना है, मैच कैसे करना है, ऊपर ऊपर को टेपर में करना है ताकि जो नीचे वाली है उसके साथ मैच हो जाए, ठीक है। हमारी कटिंग अच्छी दिखने लगी है, ठीक है। आपने ऐसे करना है, इसको पहले ऐसे मिहिम करना है, ठीक है भाई। जो ये वाली हेयर कट ना ट्रेंडिंग हेयर कट है, ठीक है, ये बहुत चल रहे हैं। देखिए अगर आपकी लाइन फिर भी दिख रही है, आपने पता क्या करना है, पॉइंट होते हैं ना पॉइंट, पॉइंट को पीछे करके ना आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। पर लेकिन ये वाली जो तीर होगी ना, इसके ऊपर नहीं लगी जाना, जिनकी इसके हिसाब से जिनके आपने मैच करना है। मैच कैसे करना है, अगर आपके पास पॉइंट है तो ठीक है, नहीं है तो ये वाली कंघी लेना, ठीक है, ब्रीक वाली, ठीक है। ब्रीक वाली में कैसे करना है, हम लोगों ने यहाँ से कैसे करना, देखो यहाँ से देखना, देखो वो आपकी लाइन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी भाई समझ नहीं आती, मेरे कमेंट बॉक्स में जो भी लिख देना और उसकी वीडियो बन जाएगी। देखो आपने ऐसे उठा उठा कंघे को भी उठाना है, एक बार ध्यान रखना कंघे को भी उठाना है। अगर कंघे को बीच में लगा कर रखोगे वहाँ पर कट पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाल दिख रहे होंगे ना बड़े बड़े, आपने ऐसे कैंची के साथ उसको सेट करना, ठीक है। ज़्यादा तेजी नहीं करनी भाई आपने, ठीक है। जैसे मैंने आपको उस साइड में बताया भाई, इस साइड में भी हमने ऐसे जीरो लगानी है, जीरो भी बड़े ध्यान से लगानी है, ठीक है। जैसे मैं लगा रहा हूँ पेपर में ऊपर को उठा के लगानी है, ठीक है। अगर बीच में लगाओगे तो फिर क्या होगा, कट पड़ेगा। देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। मेरा ऐसे टेपर में चलाने का मकसद यही है कि ऊपर वाली एकदम ऊपर ऊपर को मैच हो, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली चीज़ होगी आपकी, आसान तरीके से आप उसको मैच कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं देखो, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, ऊपर वाले बाल में करूँगा, ठीक है। अभी देखो नीचे वाली के साथ उसको मैच होगी। अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आती है भाई, इस तरह आप आसान तरीके से कर सकते हो, बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। जो आपको ये वाली दिख रही है उसको हम क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने उस साइड में आपको बताया, सेम चीज़ इधर करनी है आपने, ठीक है। देखो 1.5 mm वाला कंघा लगाना, ठीक है। इसको आपने ऐसे मैच कर देना, वो आपकी मैच हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी मैच हो चुकी है, ऐसे ही आपने मैच करनी है, ठीक है। अगर कोई बात करना चाहता है, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाओ, फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना, आपके मैसेज का रिप्लाई बहुत जल्दी दूंगा। पर लेकिन थोड़ा सा वेट करना, आपका रिप्लाई जरूर दूंगा मैं, ठीक है भाई। ये तो हो चुका है हमारा, जो हल्की हल्की लाइन दिख रही है उसको हम कैसे करेंगे, देखो जीरो है। आप सोचो कि जीरो वहाँ पर कट पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको सही ढंग से यूज़ करोगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। देखो आपने ये करना, अगर आपकी लाइन दिख रही है तो भाई आपने ऐसे ऊपर ऊपर को टेपर चलाना है, ठीक है। अगर टेपर चलाओगे तो वहाँ पर आपका कट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये तो खराब हो जाता है यार, देखो। उसके बाद हमने ऐसे इसको हाँ से मिला देना, ठीक है। देखो जैसे मैंने उस साइड में आपको बताया ना, सेम चीज़ आपने ऐसे मैच करनी। देखो नीचे जो हल्की हल्की लाइन आपको दिखेगी भाई, उसको मिलाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, छोटे वाले कंघे के साथ कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, इस वाले कंघे के साथ आपने इसको ऐसे मैच करना, ध्यान से देखना भाई। जैसे मैंने उस साइड में, इस साइड में भी आपको फिर बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में पड़ने की ये बात,
ठीक है, ऊपर ऊपर को लेके जाना है, ठीक है, तभी आपकी मैच होगी। उसके बाद आपने हल्के हल्के कैंची के साथ सेट कर देना, आपकी वो मैच हो जाएगी, ठीक है। हल्का हल्का पाउडर मार के देख लेना, उसके बाद आपको लाइन दिखेगी तो आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। हल्का हल्का आपने ऐसे सेट कर देना कैंची के साथ, ठीक है। ऊपर ऊपर को आपने ऐसे मिला देना, ठीक है, जहाँ पर आपको बड़े लग रहे होंगे भाई, उसको ऐसे सेट कर देना। सेट करके उसके बाद आपने ऐसे मिक्स कर देना इसको, आप बनाएंगे भाई साइड में बी। बी को कैसे बनाना, देखो आप ट्रिमर के साथ निशान लगा सकते हो और कैंची के साथ भी निशान लगा सकते हो, क्योंकि अगर हमारी इस साइड में होगी तो ठीक है, इस साइड में नहीं आएगी। देखो आपने कैसे बी बनानी, बी को बनाने का तरीका देख लो, हल्का हल्का आपने ऐसे लगानी है, ठीक है, ठीक है। ये वाली चीज़ होगी, दोनों साइड में आपने ना एक लेवल में रखनी है, ठीक है, और ध्यान से रख, ध्यान पर रख के काम करना आपने। वहाँ से आपने कट लगा देना, इसके साथ आपने ऐसे मैच कर देना, ठीक है। नीचे हम लोग लगा देंगे ब्लेड, हल्की नरम करने वाली क्रीम लगाना है, ठीक है। वहां पे अपने ऐसे निशान लगाना, ठीक है, और इस साइड में भी बना लेने पहले, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे इसको रेजर कर देना, आपको दिख रहे ना साइड साइड में बाल, देखो जो मैच नहीं है वो लग रही है, ठीक है। आपने कहना ट्रिमर माना ऊपर ऊपर को, वो आपकी सेट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब इस साइड में देखो, आप दिख रही ना आपको, अब नहीं करना इसको ऐसे जीरो लिख, आपने ऐसे ना जीरो कर देना, ठीक है। आप देख सकते हो हमारी बी कितनी अच्छी बनी है, ठीक है, आप भी ऐसे बना सकते हो। काटेंगे हल्के हल्के ऊपर से, ठीक है, हल्का हल्का पानी मार के इसको सेट करेंगे, जिनकी ज़्यादा नहीं काटना, हल्का काटना है, ठीक है। अब निकल ऐसे ऊपर को बाल को एक लेवल में लेके ना काटना, ठीक है, जिनकी ज़्यादा नहीं काटेंगे हम लोग, हल्का काटेंगे। जो भाई कहते हैं ना कि ऊपर वाले बाल काटने जाते हैं हमारे से, देखो एक लेवल से ऐसे काट जाएंगे बाल आपको, इस साइड में भी आपने ऐसे करना, ठीक है। देखो ऊपर जो बड़े आएंगे आपने उसको काटना है, अब इस साइड में देखो, क्योंकि बाल मैंने खींचने हैं, एक लेवल में लेके आने इसको, ठीक है। देखो उसके बाद मैं इस साइड में बढ़ूंगा, बाल को ऐसे खींच के अब मैं करूँगा इस वाले साइड पे, मेरे पूरे बरोबर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर वहाँ से पकड़ूंगा, बाल हमने नीचे से खींचने हैं ताकि हमारे बाल ऊपर आ जाए एक लेवल में, देखो वहाँ से पड़े हैं, वहाँ से कट गए। अच्छी तरह से आपने ऐसे एक लेवल में करना है, ठीक है। हल्का हल्का गाइस हम लोग ब्लेड लगाएंगे, ठीक है, जिनकी ज़्यादा पीछे ही लगी है ना भाई, बस इतना ध्यान रखा करो। ठीक है, और उस साइड में भी हम लोग ऐसे लगाएंगे, ठीक है, बाल को ऊपर करेंगे, ऊपर करके इसको एक लेवल में लेके वहाँ से ऐसे लेके नीचे खींच देना, ठीक है। जो फोर हेड पे बाल होते हैं ना यार, यानी कि उसको उठाना नहीं चाहिए वैसे, हल्का हल्का आगे आगे सेट करके उसको छोड़ना चाहिए। लो जी गाइस हमारा हेयर कट हो चुका, आप देख सकते हो, ठीक है, भाई की बी भी देख सकते हो कितनी मस्त बनी है,
गाइस हमारा हेयर कट फाइनल हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल रहे। अगर कोई बात करना चाहता है इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ, आप आओ फॉलो करके मुझे मैसेज करना, आपके मैसेज का प्लेज बहुत जल्दी मिलेगा। जब तक नहीं अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।